हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ एक अपनी न्यू रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन करके तो पहले ही रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक पैन लिया हुआ है और मैं उसमें ये ऑयल डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ऑनियन, जो कि मैंने पहले से ही चॉप करके रखा हुआ था। मैं ये ऑनियन इसमें ऐड कर दूंगी और उसके बाद मैं फिर इसे तब तक ऑनियन को तब तक पकाऊंगी जब तक कि इसका कलर जो है हल्का सा चेंज ना हो जाए, ये थोड़ी सी पक ना जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरी ऑनियन पक चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये जिंजर एंड गार्लिक, जो कि मैंने पहले से ही कट करके चॉप करके रखा हुआ था, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे भी मैं इसके साथ अच्छे से पका लूंगी। तो देखिए, यहाँ गार्लिक एंड ऑनियन अच्छे से पक गया है। यहाँ मेरा ऑनियन और गार्लिक जो है अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ स्पाइसेस। फर्स्ट मैंने ऐड किया इसमें टर्मरिक पाउडर, देन मैं ऐड करूँगी चिली पाउडर, देन आफ्टर देन आई कोरिएंडर पाउडर, देन मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करूँगी सॉल्ट। मैं यहाँ ऑल सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ टमाटर की प्यूरी बना के रखी हुई थी, मैं वो भी इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से इसे मसाले को मैं मिक्स कर लूँगी। देखिए, यहाँ मेरा मसाला जो है बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बॉयल एग। तो देखिए, यहाँ मैंने एग इसमें ऐड कर दिए हैं मसाले में और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो मसाला जो है अच्छे से एग पे कोट हो जाए। यहाँ मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ गरम मसाला और उसके बाद मैंने यहाँ कुछ ग्रीन अनियन जो है कट करके रखी हुई थी, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी क्योंकि इसका इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फ्रेंड्स, आप ट्राई करके देखिएगा। इस स्टेज पे मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी और जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे बॉयल आने तक पकाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरी एग करी जो है बनके तैयार हो गई है। देखिए इसमें कलर भी कितना प्यारा आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।